हेलो फ्रेंड्स, किड्स अपेक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम बनाते हैं डोनट, जो ब्रेड से बनाएंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरी वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और घंटी को दबाकर उसको प्रेस कर दीजिए, उसको ऑल करके, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, डोनट बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आज हम बनाएंगे डोनट जो ब्रेड से बनेगी। तो देखिए कि हम ब्रेड से कैसे बनाते हैं। तो ये हम ब्रेड ले लेंगे और ब्रेड को ऐसे ग्लास से काट लेंगे। आपके पास जो भी हो, ग्लास, कटोरी, जिससे भी चाहें आप शेप दे सकते हैं। तो ये ऐसे इस तरह से आप निकाल लीजिए। तो ये हम काट लेते हैं, दूसरी भी काट लेते हैं इसी से। ये देखिए, ये हमने सब काट ली है। अब इसको आप एक ढक्कन हो या किसी से, आप जो आपके पास हो तो आप उसे से काट लीजिए। तो ये बीच में आप करके इस तरह से, और इसको इस तरह से कर दीजिए। तो आपका बीच में इस तरह से सेव ये बन जाएगा। ऐसे ही आप सारी काट लीजिए। ये देखिए, आइए हम सारी काट लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने डोनट बनाने के लिए ब्रेड को काट लिया है इसको। और अब हम लेते हैं अरारोट लिया है मैंने 3 चम्मच। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको मेल्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ही पानी डालना, जिससे कि इसमें लम्स ना बने। तो इस तरह से आप लेना इसको और अच्छे से घोल लेना है। थोड़ा सा और पानी डालना है इसको, ज्यादा पतला नहीं करना है। ज्यादा पतला करेंगे तो उसमें कोट नहीं हो पाएगा। हमें ब्रेड को कोट करना है, तो इसको अच्छे से आप मेल्ट कर लीजिए। आइए हम मिला लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने अरारोट को अच्छे से मेल्ट कर लिया है। ये देखिए, ज्यादा पतला घोल नहीं है, अच्छे से हो गया। अब इसमें हम जो मैंने ब्रेड का डोनट बनाया था वो इसमें हम डिप करेंगे इस तरह से। अच्छे से इसको डिप करना है। मैंने 2 लिए हैं, अगर आप चाहें तो 1 ही ले सकते हैं। कोई नहीं, अगर आपका टूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इस तरह से रख दीजिए। एक मैंने कर लिया है, इसी तरह से हम दूसरा भी डिप कर लेते हैं। इसको भी इस तरह से, अगर आपसे नहीं उठता है, ये चपक जाता है, तो इस तरह से चमचा या चम्मच कोई ले लीजिए आप, और इस तरह से आप इसको कोट कर दीजिए और इसको आसानी से ऐसे आप उठा लीजिए, इसे ले लीजिए और इसको इसी तरह से इसमें टर्न कर दीजिए। ये देखिए, अच्छे से ये, इसके पहले मैंने इसमें डाल दिया था, इसको इस तरह से मोल्ड कर दीजिए। देखिए, अच्छे से हो गया है। इसी तरह से आप बाकी भी सारे बना लीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम लोग को लगे कि आप हमारी वीडियो देखते हैं। और ये देखिए, अच्छे से इसको आप बीच में टर्न करते रहिए। जब ये पक जाए इसको अलट पलट के सेक लीजिए अच्छे से। ये देखिए, आइए जब हम बना लेते हैं आपको तब दिखाते हैं। तो ये देखिए, मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और ये हमारे डोनट बनकर रेडी हो चुके हैं। तो ये अब हम इसमें थोड़ा डिप करेंगे। ये देखिए इस तरह से,
अच्छे से डिप कर लीजिए। ये देखिए इसको रख दीजिए ऐसे, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। इसी तरह से दूसरा भी डिप कर लीजिए आप। ये देखिए ये भी डिप हो गया अच्छे से, डिप इसको डिप कर लीजिए ऐसे। इसको भी हम रख देते हैं। आइए हम सारे डिप कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मैंने इससे कोट कर दिया, और इसको चाहें आप स्प्रिंगल से जैसे चाहें उस तरह से आप सजा सकते हैं इसको। ये मैंने जेम्स को कट कर दिया है, और ये इसमें हम डाले दे रहे हैं। ये देखिए इस तरह से आप डाल दीजिए, और अगर आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें चीनी भी डाल सकते हैं इस तरह से। देखिए अच्छी लगती है, आप डाल दीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से इसको कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट तो जरूर ही करिएगा, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। और लाइक कर दीजिएगा, तो आपको हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। चलिए आते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके। ओके बाय।